तो गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि बच्चे कोई नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ। और ये घर देखिए कितना सूना सूना लग रहा है और साफ सफाई, और भाई भी नहीं है तो बहुत याद आ रही है दोनों भाई की। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिम कृषि व्लॉग। आप सब कैसे, आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। तो बहुत दिनों बाद मैं आपसे मुलाकात की है, बहुत दिन से 15 दिन हो गए शायद मैं व्लॉग कोई शूट नहीं कर पाई। पिछला व्लॉग भी मेरा 3-4 दिन का है डाला है, वो आप प्लीज़ देख लें, मैं आई बटन पे दे दूँगी। तो बस कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में गलत गपशप करते हैं कि ना आपके फैमिली वाले बनाने देते हैं कि वीडियो लाइक तो आ नहीं रहे, व्यूज़ तो बढ़ नहीं रहे, सब्सक्राइब कर नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, आप लोग सोचो कि ऐसी बात करके मैं डिमोटिवेटिव हो जाऊँगी और मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊँगी, ऐसा नहीं है। देखो मैं थोड़ी ज़िद्दी किस्म की औरत हूँ, तो जो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या बोले, अच्छे कमेंट करे करें, क्योंकि देखो आप अच्छे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। तो और मेरे फैमिली वाले मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरी सिस्टर साथ है, और बहुत से लोग हैं मेरे रिलेटिव जो मेरे साथ है, तो वो कोई मेरे पे ऑप्शन नहीं करते। तो प्लीज़ आप भी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ ऐसे कॉमेंट ना करें जो मैं आप लोगों को कुछ, मैं देखो मैसेज तो कुछ रिप्लाई नहीं करती लेकिन मैं सोचती हूँ और कभी कभार मैं डीमोटिवेट हो। हाँ तो गाइस आप मेरी परवाह ना करें, क्योंकि मैं भी बीच में चली गई थी, कोई आ गया था, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आप मेरी परवाह ना करें, लाइक आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो मेरा काम है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर एक ना एक दिन, आप सबकी दुआ से। और आप जो लोग सोच रहे हैं नेगेटिविटी ना फैलाएं, तो देखो नेगेटिव बहुत लोग होते हैं और आप मेरे अपने हैं तो अपने होकर ऐसी बातें ना करें। तो मैं भी एक अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ, यूट्यूब फैमिली। इंस्टाग्राम पे बहुत से कमेंट आते हैं कि आपको घर वाले ने परमिशन दे दी क्या आपको बनाने, तो देखो गलत काम तो है नहीं। अभी देखो पास में कोई पॉपकॉर्न बेचने वाला है थोड़ी देर। तो गाइस बस इतना ही से आपसे गुजारिश है, मेरा काम है, मैं छोटा मोटा घर का काम, घर का देखो सारा काम करती हूँ, घर में कोई कमी नहीं छोड़ती, ऐसा नहीं है कि वीडियो ही बना रही तो घर में कुछ नहीं करी, वो सब कुछ करती हूँ। अगर ऐसा करती तो हस्बैंड को आपको पता ही, सबके हस्बैंड जितने भी होते हैं वो सब काम पहले देखते हैं फिर बाकी की सारी जो भी होती है इच्छा वो पूरी करने देते। तो मैं घर का काम, उनको सब कुछ खाना पीना कपड़े धोना जो भी है घर के सारे काम करती हूँ, उसके बाद मैं फ्री टाइम में ये सब कुछ करती हूँ। तो बस आपसे इतना ही गुजारिश है, गलत कमेंट करके ना परेशान करें किसी को, और मैं परेशान होने भी नहीं वाली, क्योंकि देखो कुछ दिन वीडियो नहीं आया तो आप ये मत समझना हमारी बातों से डिमोटिवेट नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो गाइस रात हो गई तो मैं भाई के कपड़े देख रही थी, उनके अच्छे से जमा रही थी, जो नहीं पहनने उनको साइड कर रही थी। वो भाई बोला पूरा बक्सा देख ले, अच्छे से चेक कर ले, और हम बातें कर रहे थे। भाई दोनों भाई इसी कमरे में सोते हैं ऊपर छत वाले रूम में, तो सर्दी है तो पहले छत पे सोते थे, अब आपको पता है सर्दी बहुत है तो ये यहाँ सोते हैं। तो मैं इनका सारा सामान अच्छे से शेटल कर रही थी ताकि आराम से सो सकें और उठ बैठ सकें। और ये हो गई सुबह, तो तीसरा दिन तो मैंने बनाए थे आज मेथी आलू के पराठे, आज नाश्ते मैंने ये खाया है। तो गाइस अभी याद कर रही हूँ, अभी ये देखिए बोल रहे तो मुझे कुछ बोले नहीं, तो ये जा रहा है फिर से गुजरात 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 तभी ठीक है। इसकी ये गाड़ी पार्क करके आएगा वो गली अभी जा रहा है भाई गुजरात, बताया मैंने तो अभी बहुत शोर हो रहा था इसलिए बीच में काट दिया। और ये देखिए इसने उबर कैब बाइक राइड में जाएगा तो बुक किए, वो आ नहीं रहा है, यहाँ थोड़ा लोकेशन बताता नहीं ठीक से आ नहीं रहा तो जाएगा। तो मुझे इसको अच्छे से समझा दिया पिछली बार, जैसे बीमार नहीं होके आना, पिछली बार बीमार होके आ गया था तो मैंने इसको अच्छे से बिस्तर कपड़े गरम कपड़े सब दे दिए। ठीक है गाइस तो चलो इसको भेज देती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने इमरान जी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, किया ना धोखा, क्या बताया था मैंने आपको खाने में, मुझे बताया गया है आज कि नॉनवेज बना है स्पेशल वाला देसी घी में विद ग्रेवी तंदूर रोटी। तो ये ज्यादा बोलते हैं तो ये मैंने बनाया देखिए एक करी। तो अभी हम खाना खाते हैं, रात का डिनर, आज कोई मिसिंग है इनको कुछ पता नहीं चल रहा है कौन मिसिंग है, आप खुद समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो चलो मैं खाना खाती हूँ फिर आपसे मिलती। तो आज है गाइस जुम्मा, तो आज जुमे की नमाज़ पढ़ी मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने बहुत टाइम बाद, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, और ये उसकी बेटी है ये भी नमाज़ पढ़ रही थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। एक दिन बाद
आज क्या बना है डिनर में? हमने बनाई है तारी यानी मटर पुलाव। तो मैं आपसे एक दिन बाद मिल रही हूँ पूरा। तो एक भाई कल गया और एक भाई आज जाएगा, तो मैंने इसलिए ताड़ी बना ली। और अभी मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये टी शर्ट मैंने पहना है इमरान जी का, क्यों पहना वो आपको इसकी कहानी बताती हूँ आपको। हेलो गाइस, तो आज मैं मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन। तो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आदत है जब मैं दूसरे दिन शूट करती हूँ तो मैं सलाम करती हूँ। चलो कोई नहीं, सलाम करना अच्छी बात है। तो आज है जुम्मा, आप सभी को जुम्मा मुबारक। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, दो दिन का व्लॉग है। तो कुछ सर्दियों में टाइम नहीं मिलता काम काज में, दिन बहुत छोटे होते हैं, आप सब जानते होंगे, हाउसवाइफ तो सबसे ज़्यादा जानती होगी। तो मैं भी बस बिजी रहती हूँ थोड़ा सर्दी में। सुबह कितनी जल्दी काम स्टार्ट करो लेकिन हो जाता है, दो ढाई बज जाती है, फिर शाम का काम आ जाता है। तो बस, तो कुछ दिनों अभी से लोग थोड़े मेरे बहुत ज़्यादा लो गए, मतलब आ नहीं रहे हैं। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोच रही हूँ अच्छा अच्छा कंटेंट दूँ आपको, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दिखाऊँ, अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाऊँ। तो इसी के कारण मैं क्या है ना, लोग शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा दिखाऊँ डेली का, आपको दिखा दिया कि बोर नहीं करना चाहती मैं। तो बस, तो एक भाई कल चला गया था और आज एक और भाई चला जाएगा, ये जा रहा है जोधपुर। तो बस ऐसे ही जा रहा है, कुछ दिनों से इसका काम रुक गया है। तो 1-2 तारीख को आएगा, तो तब आएगा इंशाल्लाह, जल्दी काम पे लग जाएगा। आप सब दुआ करना, आप सबको काम मिले। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।